हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कि हम किसी भी पीएसयू की सैलरी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उसका पे स्केल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पीएसयू के बारे में जानेंगे। तो पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर काम करती हैं, या उसमें भी कहिए कि डीपी के अंडर काम करती है, यानी डीपी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। यही डीपी इन सब पीएसयूज के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है, गाइडलाइंस जारी करता है, और जब पे स्केल लगता है कंपनीज का तो यही डीपी ही से ही यहां पर एक नोटिफिकेशन आता है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट होने वाला है। तो जो लास्ट पे रिविजन हुआ था वो एक 2017 को हुआ था, जिसको कि हम थर्ड पीआरसी बोलते हैं, यानी कि थर्ड पे रिविजन कमिटी बोलते हैं। तो पीएसयू को बेसिकली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो पीएसयूज हैं वो महारत्न है, इसमें 10 पीएसयूज आती हैं, एचपीसीएल, पीजीसीएल, ओएनजीसी, सेल, भेल, सीआईएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एनटीपीसी। इसके अलावा नवरत्ना, ये 14 है, और इसके अलावा मिनी रत्नाज हैं, जिनको कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में डिवाइड किया गया है। ये लगभग 74 के आसपास हैं। तो अब हम इनके पे स्केल की बात करते हैं। तो महारत्ना जो है उनका पे स्केल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऑलमोस्ट ऑल केसेस में 60,000 से लेके 1,80,000, और लिखा होगा यहाँ पे 3%। इसी तरीके से नवरत्ना का जो पे स्केल है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपको ये दिखेगा। इसके अलावा जो मिनी रत्ना है उसका पे स्केल आपको 40,000 से लेके 1,40,000 तक दिखेगा विद 3%, यहां पर ऐसे लिखा होगा। तो इस ये लगभग इन केसेस में सेम रहेगा, मतलब नवरत्ना के केस में लगभग ये इस तरह से ही रहेगा, महारत्ना के केस में इस तरह से रहेगा, और मिनी रत्ना के केस में इस तरह से रहेगा। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है, जैसे अगर हम नालको की बात करें, नालको एक नवरत्न कंपनी है, लेकिन जब इसकी ज्वाइनिंग होती है यानी ट्रेनिंग पीरियड में इसका पे स्केल ये होता है, और जैसे ही इसका एक साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसका पे स्केल चेंज होके 60,000 वाला आ जाता है। इसके अलावा और भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एनएससी की बात करें, यानी नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो ज्वाइनिंग होती है वो इस पे स्केल में होती है, यानी इस पे स्केल में होती है, लेकिन एक साल के ट्रेनिंग के बाद इसका पे स्केल ये हो जाता है। सेम ही चीज कोल इंडिया के साथ है, जो कि एक महारत्ना है, जिसकी ज्वाइनिंग इस पे स्केल में होती है और जिसका एक साल के बाद पे स्केल हो जाता है महारत्ना वाला। तो अब हमें पता लग गया कि मोटा मोटी यही पे स्केल होते हैं नवरत्ना के, ये महारत्ना के और ये मिनी रत्ना के। अब हम इसे सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सैलरी कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। जैसे कि मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी कंपनी का पे स्केल ये है, तो उसका बेसिक 60,000 है, उसका बेसिक हमारे पास 60,000 है, इसका ये मतलब है। फिर इसके अलग हमें और क्या मिलता है, इसके अलावा बेसिक पे 35% पर्क्स एंड अलाउंसेस रहते हैं, यानी कि बेसिक पे 35 ये पर्क्स हो गए हमारे पास, पर्क्स हो जाते हैं 35% ऑफ बेसिक। इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा हमें मिलता है आईडीए। आईडीए मतलब कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, ये आज 1 अप्रैल 2020 को ये 18% है, तो ये हो गया 18% ऑफ बेसिक। तो इतनी सैलरी इससे हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट हैं, उनकी भी बात करेंगे, पहले हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया लगभग 53% ऑफ दिस अमाउंट, यानी कि ये है हमारे पास 60,000 प्लस 53% इस अमाउंट का लगभग आ जाएगा हमारे पास 31,800, यानी ये आ जाएगा 91,800। ये ग्रॉस अभी तक का हुआ है, ये यहां तक हो गया है ग्रॉस सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी हो गई है। इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे जो मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं। इसके अलावा एक चीज है एचआरए, आपको अगर आप एक्स क्लास सिटी में हैं, एक्स क्लास मतलब जिसकी पॉपुलेशन 50,00,000 से ज्यादा है, उस सिटी में है, तो ये 24% ऑफ बेसिक रहता है, बेसिक जितना है उसका 24% रहेगा। अगर वाई क्लास सिटी है,
तो 16% बेसिक का रहेगा, और अगर जेड क्लास सिटी है तो ये 8% ऑफ बेसिक रहेगा। लेकिन कई जगह क्या होता है, कंपनीज की खुद की अकोमोडेशन रहती है, क्वार्टर्स रहते हैं कंपनी के, तो कंपनी क्वार्टर्स प्रोवाइड करती है, तो वहां पर ये एचआरए नहीं मिलता है। कुछ नॉमिनल चार्जेस पे आप ये आपको क्वार्टर मिल जाते हैं, जैसे कि 1% ऑफ बेसिक पे। तो इस चीज को हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे कि ये कई जगह आपको मिल सकती है, अगर आप हेडक्वार्टर जैसे हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है आपकी, तो वहां पर जनरली क्वार्टर्स नहीं रहते हैं, तो वहां पर आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आपको अकोमोडेशन मिली है तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। अगर कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है तो ये और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज होती है जो कंपनी आपको देती है, इसके अलावा बात कर रहे हैं हम अभी, इसके अलावा एक जो चीज कंपनी आपको प्रोवाइड करती है वो होता है PRP। ये है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ये एक साल में एक बार आपको मिलता है, और ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, ये सब उन सब और आपकी कंपनी की रेटिंग कैसे मिली है, उन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है PRP। और ये साल में आपको एक बार मिलता है PRP, और ये जनरली अमाउंट रहता है 40,000 से, अलग अलग PSU में अलग अलग मिलता है, 40,000 से मान के चलिए आपको 1,00,000 के आसपास तक PRP मिलता है। एक साल में ये एक बार मिलता है, तो हम इस चीज को भी इसमें काउंट नहीं कर रहे। इसके अलावा आपको मिलता है मेडिकल आपको मिलता है अपने लिए और अपने डिपेंडेंट्स के लिए। डिपेंडेंट्स में आपके फादर मदर हो सकते हैं और आपका स्पाउस हो सकता है, तो मेडिकल आपको मिलता है। इसके अलावा और क्या मिलता है, इसके अलावा कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि आपको मिल सकता है लैपटॉप अलाउंस। इसके अलावा आपको मिल सकता है लैपटॉप अलाउंस। ये जो लैपटॉप अलाउंस होता है ये 3 साल में एक बार मिलता है, और ये PSU to PSU वैरी करता है। ये PSU to PSU वैरी करता है, मतलब 70,000 से 1,00,000 के बीच में ये अमाउंट मिलता है अलग अलग PSU में, कुछ PSU में मिलता भी नहीं है। तो एक ये चीज हो गए। दूसरी चीज आपको एक होता है मोबाइल अलाउंस। ये कुछ PSU में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता, और ये जनरली 20,000 तक रहता है, और ये 2 साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा एक तीसरा टाइप का अलाउंस, कुछ अलाउंसेस हैं जो जैसे ONGC जैसी कंपनी में मिलते हैं, जैसे आपको मिलता है गूगल अलाउंस मिलता है, उसके अगर आपने व्हीकल रखा है तो व्हीकल अलाउंस मिलता है, उसके अलावा ड्रेस अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन वो कुछ PSU में मिलते हैं, सब में नहीं मिलते हैं, तो इसलिए उन चीजों को भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं इसमें। तो अभी तक हमारा ग्रॉस है 91,800। आप जिस PSU में हैं उसके हिसाब से ये सब चीज़ें और इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको HRA मिल रहा है तो 24%, 16% इसमें और ऐड कर लेंगे। और अगर आपको इसके अलावा अगर आपको मेडिकल इसके अलावा अगर आपको लैपटॉप अलाउंस मिल रहा है, ये 3 साल में मिलता है, इसको आप ऐड नहीं करेंगे। मोबाइल अलाउंस आपको 2 साल में मिलता है। इसके अलावा आपको अगर जैसे कार अलाउंस मिलता है तो उसमें ऐड कर लेंगे। इसके अलावा आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है तो आप उसमें ऐड कर लेंगे। तो ये सब चीजें ऐड कर लेंगे। इसके अलावा एक और अलाउंस है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट अलाउंस। ये क्या होता है, ये होता है कि अगर आपकी पोस्टिंग किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है या लद्दाख रीजन में है, तो वहां पर आपको एक अलग से अलाउंस मिलता है जो कि 10% ऑफ द बेसिक होता है। मतलब कि अगर आपका बेसिक 60,000 है तो इसका 10% आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो उतना अलाउंस आपको और मिलता है, वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। उसके अलावा और क्या मिलता है, इसके अलावा आपको मिलते हैं 30% सुपर एन्यूएशन बेनिफिट्स। ये क्या होते हैं सुपर एन्यूएशन बेनिफिट्स, यानी जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि 30% हर PSU को आपको देने होते हैं। इसमें इस 30% में आपको कंपनी क्या क्या देती है, इसमें आपको कंपनी देती है PF, जिसको कि अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं इसको CPF यानी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, कहीं पे इसको EPF यानी कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, और जैसे कोल इंडिया है उसमें CMPF बोलते हैं यानी कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो ये 12% कंपनी कंट्रीब्यूट करती है अपनी तरफ से।
इसके अलावा आपको पेंशन पेंशन कंट्रीब्यूट करती है कंपनी, पेंशन एक आपका अकाउंट क्रिएट कर देती है, उसमें पेंशन आपको डालती है कंपनी, कुछ परसेंट रह सकता है 8% 7% या कहीं कहीं जगह इसको फैमिली पेंशन भी बोलते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा ग्रेच्युटी होती है, ग्रेच्युटी होती है। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सब चीजें कंपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है 30% आपको, जो कि आपके सुपर यानी आप जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद के बेनिफिट्स हैं। अब हमारा ग्रोस हमने मान के चल रहे हैं कि हमारा ग्रोस इतना है, तो अब हम इसमें डिडक्शन माइनस कर देते हैं, क्या क्या डिडक्शंस हैं। तो डिडक्शन क्या क्या है, डिडक्शन सबसे पहला है 12% आपका इसमें से माइनस हो जाएगा पीएफ, यानी कंपनी भी 12% डाल रही है तो आपका भी 12% कटेगा, तो 12% इसमें से इसका 12% यानी कि ये इसका नहीं, ये आपका हो जाएगा बेसिक प्लस डीए का 12%, यानी जो बेसिक और डीए है उसका 12% आपका माइनस हो जाएगा इसमें से। एक वो चीज आएगी, एक इनकम टैक्स आपका डिडक्ट होगा, इनकम टैक्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और डिडक्शन भी होते हैं, जैसे कुछ कंपनीज क्या करती हैं, पेंशन को भी डिडक्ट करती हैं, और जो अपनी तरफ से पेंशन डाल रही हैं उसको कंप्लीट मान के तब पेंशन कैलकुलेट करती हैं। तो कुछ डिडक्ट करती हैं, कुछ डिडक्ट नहीं करती हैं। इसके अलावा ये इनकम टैक्स आपका 10 से 12 हजार मान लीजिए, 10 से 12 हजार मान लीजिए, इस बेसिक प्लस डीए को आप समझ लीजिए 9 हजार के आसपास मान लीजिए, 12% अगर आप कैलकुलेट करेंगे बेसिक प्लस डीए का, तो मतलब कि ये लगभग 20 हजार के आसपास इसको मान लीजिए, 20 हजार अगर इसको मानेंगे तो ये आ जाएगा 71,800, इतना अमाउंट आ जाएगा। इसके अलावा कुछ एक दो छोटे छोटे डिडक्शन और होते हैं, जैसे क्लब का कुछ रहेगा 300-400 रुपये कुछ इसमें से माइनस होगा। तो लगभग अगर आपका ये बेसिक है तो आप मान के चलिए कि आपका जो इन हैंड सैलरी आएगी, वो इन हैंड सैलरी कुछ इतनी आएगी। इसमें हम वो और चीज़ें मान के नहीं चल रहे हैं, जैसे हमने एचआरए नहीं माना है इसमें, इसके अलावा जो कुछ अलग से अलाउंसेस मिलते हैं वो कई जगह मिलते हैं कई जगह नहीं मिलते, तो हमने उनको इसमें कैलकुलेट नहीं किया। तो मान के चलिए कि इतनी सैलरी अगर आपका ये पे स्केल है तो इतनी इन हैंड सैलरी आपको मिलनी तय है किसी भी पीएसयू में, किसी भी महारत्न पीएसयू में अगर आपका पे स्केल ये है तो इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिलनी तय है। इसके अलावा डिपेंड करता है वो पीएसयू कितने अलाउंसेस किस किस टाइप के अलाउंसेस देती है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और इसके बारे में पता करना है तो आप कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू।